नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीटीवी इंडिया न्यूज। हम इस समय आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। जनपद लखीमपुर खीरी, यहाँ पर तहसील गोला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव पूजा गांव, जहाँ पर मृतक गुड्डू की मौत के बाद मंगलवार को पूरे गांव में को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कई थानों की पुलिस व पीएससी बल तैनात कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद सब गांव पहुंचने के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और ब्रज किशोर और उसकी पत्नी पर कार्यवाही को लेकर अड़ गए, जिसके बाद लेखपाल ने 4 लाख रुपए का आश्वासन देने का वादा किया। वहीं देखने वाली ये स्थिति है कि पुलिस के द्वारा एक आश्वासन दिया गया कि दंपति को हिरासत में लेने की बात कही गई, तब जाकर परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए माना। वहीं पर देखने वाली ये स्थिति है कि बंधा के पास पानी में मिला मृतक गुड्डू का शव और उसी को देखकर क्षेत्र में फैली सनसनी। जब शाम गुड्डू अपने घर से शाम को गायब हो जाता है। वहीं ब्रज किशोर के यहाँ साइकिल लेकर गया हुआ था, उसकी हत्या की गई और यह सब ब्रज किशोर की पत्नी के खातिर हुआ। उसका घर जल जीवन मिशन की टंकी के परिसर में बना हुआ है, जहाँ से जो गुड्डू है उसका सब मात्र कुछ ही दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर सब मिलता है और क्षेत्र में किस तरह से सनसनी फैली हुई है। मृतक की पत्नी कन्यावती बार बार रो रो कर कह रही थी कि 1 वर्ष का बेटा और 3 वर्ष की बेटी, इनका कैसे पालन पोषण होगा। उसी को थाना अध्यक्ष फूल बहन आलोक धीमन ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पानी में डूबने से मौत हुई है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि जब ये पानी में डूब जाता है तब जाके इसकी मौत हो जाती है। और जो इसके चेहरे पर और इसके गले पर जो निशान मिलते हैं वो मछलियों के निशान बताए जा रहे हैं कि इसको मछलियों ने कुतर कुतर कर खाया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्षेत्र में एक सनसनी का माहौल बना हुआ है। वहीं देखने वाली ये स्थिति है कि पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक नहीं, कई आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। हम आपको बता दें कि फूल बहन प्रभारी आलोक धीमन ने बताया कि सोमवार को परिजनों ने जो तहरीर दी थी उसमें दस्तखत या अंगूठा नहीं था। पिता कल्लू राम ने मंगलवार को ब्रज किशोर, उसकी पत्नी और एक सरदार हैं जो जस्ता सिंह तथा 2 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई थी, जिसमें से कई लोगों को पुलिस ने आरोपी दंपतियों को हिरासत में ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैडम जो रिपोर्ट में आया है कि वो पानी में डूबकर मौत हुई है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे थे सीटीवी इंडिया न्यूज़।